So good morning, guys, and a happy new year. Best wishes for 2021. नया साल और हम लोग एक चल दिए हैं एक नए डेस्टिनेशन की ओर, डिब्रूगढ़ से मेचुका इन अरुणाचल प्रदेश. सो आप बने रहिएगा हमारे साथ, इस ट्रिप को एंजॉय कीजिए. वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर मैनी मोर प्लेसेस इन 2021. होप हम लोग की हेल्थ बनी रहे और हम आपको नया नया जगह दिखा सकते हैं. गुड मॉर्निंग. एंड पिक्सी भी जा रही है हमारे साथ. सो आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल होने वाला है, ब्रेड बटर एंड एग्स. सो अभी पासीघाट से हम लोग स्टार्ट किए हैं. 7:40 हो रहा है मॉर्निंग के और यहाँ से 280 किलोमीटर्स दिखा रहा है मेचुका के लिए वाया आलो. एंड तो गूगल बता रहा है कि 7 hours 45 minutes लगना चाहिए. तो देखते हैं, डिपेंड्स कि रोड कंडीशन कैसा है. तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड भी जा रहे हैं, तो वो लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं. जो दूर से बादल दिख रहे थे, अभी हम लोग वहीं पे घुसने जा रहे हैं. बहुत ही सुंदर नज़ारा है. ये पासीघाट से आलो वाली रोड है. ये देखिए, बादलों में घुस गए. ओह माय गॉड, इट्स सो गुड. मस्त लग रहा है. बादल है ना, पूरा बादल है. जैसे हमारी फ्लाइट बादलों से होते हुए जाती है, पूरा वैसे ही लग रहा है. आराम आराम से जाना, दिख तो नहीं रहा है आगे. दूर है अभी, 30 किलोमीटर के बाद है आलो के लिए लेफ्ट. स्मॉल ब्रेक. हाँ हाँ, बारिश के समय तो बहुत स्लिपरी रहेगा. चलो ठीक है, आराम आराम से चलते हैं. आलू के पहले 27 किलोमीटर में हमने मेन रोड से लेफ्ट लिया और लेफ्ट के बाद पूरा कच्चा रोड है. तो ये 27 किलोमीटर लुक्स लाइक ऐसे ही होगा और यहाँ पे हम लोग को 1.5 घंटे से 2 घंटा लगना चाहिए. तो आप रोड का कंडीशन देख सकते हो. जो सीनिक ब्यूटी है राइट साइड में, मतलब नो वर्ड्स फॉर दैट. ये है रोड कंडीशन. आए, कमर पूरी गई हुई है. ऐसी रोड कंडीशन में यही हो रहा है. आफ्टर 1 hour 45 minutes वी कवर्ड 27 किलोमीटर और अभी हम लोग आलो पहुंच गए हैं. आलो में अभी हमारे फ्रेंड आगे निकल गए हैं, तो उनको अभी हम ढूंढ रहे हैं. आशीष, आशीष. इंडियन ऑयल आलो, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप. रोड्स आर प्रिटी गुड आफ्टर आलो. आगे कामकी आएगा, उसके बाद काइंग आएगा.
सो अभी वी आर एंजॉयिंग द ड्राइव, अभी स्मूथ हो गया, कमर थोड़ी सी सीधी कर ली. लोग केइंग पहुंच गए हैं, केइंग या काइंग, के ए वाई आई एन जी. सो आलो से काइंग का रास्ता इतना ही मस्त था, मतलब आप अपना बढ़िया चला सकते हो, घुमावदार स्नेक्स टाइप की रोड्स हैं, राइट. और वही ये रणवीर कपूर की मूवी थी रॉय, उसका जो गाना था तू है कि नहीं, बस आप चला रहे हो और वो गाना बज रहा हो, मज़ा आ जाएगा. मतलब ऐसी रोड्स थी. ये पूरा प्लेटो है और रोड्स डबल लेन है, मस्त. और पहाड़ भी साइड में है, आपको माउंटेन्स में बर्फ भी दिखेगी, बहुत ही अच्छा व्यू, अमेजिंग. आप देखते जाइए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको और मिंचोगा तक. सो केइंग के बाद रास्ता ख़राब हो गया है, मुझे लगा आगे तक भी अच्छा होगा, बट वापस थोड़ा आलो से पहले वाली रोड टाइप का आ गया. लेकिन मतलब फिर भी सही है, क्योंकि इधर बीआरओ बना रहा है सारा रोड्स, सो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सो वो जितना भी रोड्स है सब पहाड़ काट के डबल लेन कर रहे हैं, सो मोस्ट प्रॉब्ली इसीलिए इधर भी काम चल रहा है. बट ओवरऑल ओके, थोड़ा सा बम्पी राइड है, बट इट्स काइंड ऑफ ओके. महिंद्रा 1BHK अगर आपके पास है तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलेगा आपको, और थकान वैसे भी नहीं होती, आप जानते हैं लंबी ड्राइव पे, बिकॉज महिंद्रा इज़ रियली गुड. सो आशीष जो है हमारा फ्रेंड, तो उसने हम लोग को, उसके पास वॉकी टॉकी था, तो उन्होंने हमको एक दे दिया और अपना रखा है, तो इट्स वेरी इजी कोऑर्डिनेट करने के लिए. तो अभी रोड्स नैरो हो गए हैं, तो वो आगे से बोल रहा है कि ट्रक आ रहा है, तो कहीं साइड में जगह मिले तो रोक लो. सो इट्स वेरी कन्वीनियंट, तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट करके जा रहे हैं अभी. तो वैसे गाइस, अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो मेक श्योर यू टेक अ वॉकी टॉकी, बहुत सस्ता आता है एंड वो इजी रहेगा कम्युनिकेट करने के लिए. और एल्स BSNL, तो BSNL का फ़ोन यहाँ पर चलता है, बट ऑन द वे वो भी शायद इतना काम ना करे. बेस्ट वे इज़ वॉकी टॉकी, अगर आप लोग दो तीन लोग हो या दो तीन गाड़ियाँ हैं, else BSNL is good. See, बड़ा ही खूबसूरत ट्रैवल बना है इस समय, तो बीच में बड़ा भाई XUV 500 जा रहा है, आगे मंझला भाई महिंद्रा स्कॉर्पियो जा रहा है, और पीछे छोटा भाई महिंद्रा ज़ाइलो आ रहा है. मैंने बोला ना, महिंद्रा हर पड़ाव पार करता है. हमसे टच वुड. फिर से खराब रोड्स आ गई है, तो आई होप ये सिलसिला जारी रहेगा. फ़ोन में इंटरनेट नहीं है हमारे दोनों एयरटेल में, BSNL अभी तक लगाया नहीं, देखते हैं आगे. बट हाँ, हमारा GPS भी बंद हो गया है. सो आगे रोड क्लोज है, आप देख सकते हैं उधर पहाड़ की कटिंग का काम चल रहा है, और जल्दी 5-10 मिनट में खुलेगा मोस्ट प्रॉब्ली.
जाओ वहाँ चली जाओ, आग जल रही है अभी तो वो सफाई करेगा पूरा, तोड़ ताड़ रहे हैं माउंटेन, रोड बनाएंगे। सो आफ्टर वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स द रोड इज क्लियर नाउ, सो अभी जा रहे हैं। मैगी और पिक्सी का राइस और चिकन कर। सो गाइज अभी हम लोग हाफ वे ही पहुँचे हैं, आलो से हम लोग जितना आए थे, सॉरी काइंग से जितना हम लोग आए हैं उतना और ऊपर अभी मेचुका के लिए है। लेकिन ये पीछे का जो नज़ारा है ना, ओहो माइंड ब्लोइंग। लंच के लिए अभी एक होटल मिला है तो अभी हम लोग ने थाली ऑर्डर किया है, चिकन थाली, उसमें राइस रहेगा और दाल सब्जी। तो अगर आप मेचुका आ रहे हो और आपको लंच के लिए जगह चाहिए और लंच करना है तो यहाँ आप रुक सकते हो। यहाँ पे मैगी भी मिलती है और थाली भी मिलती है, 200 रुपये का थाली और मैगी 30 रुपीज़। इट्स जस्ट 4:45 और अंधेरा हो चुका है, तो देखते हैं आगे का रोड कंडीशन तो वैसा ही है। सो लेट्स सी कितने बजे तक पहुँचते हैं मेचुका। रोड फिर से खराब हो गई है, फिर से कच्ची वाली रोड आ गई है। 2 डिग्री है, आप ये देख सकते हो, 2 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर, कैबिन टेम्परेचर मेंटेन इज 27 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ठंड होने वाली है। सो टाटो भी क्रॉस कर आए, टाटो में भी नेटवर्क नहीं मिला और टाटो से मेचुका इट सिम्स 50 किलोमीटर्स, तो अभी हम लोग को ये 50 किलोमीटर्स देखते हैं, दो घंटा तो लगेगा ही शायद क्योंकि इस रोड कंडीशन में। ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, यहाँ से 2 किलोमीटर है मेचुका तक, नेटवर्क पूरे रास्ते नहीं थी। तो मेचुका पहुंच चुके हैं, वेलकम टू मेचुका का बोर्ड आया था। वेलकम टू मेचुका टाउन। भैया किसी के पास इतनी तथा होगी यहाँ तक गाड़ी चला सके तो आ जाना, वरना पूरे रास्ते 12 घंटे हम लोगों ने चलाया है गाड़ी, हिल हिल के। वो तो महिंद्रा थी तो थोड़ा स्प्रिंग था, वरना किसी के टेल बोन जाएगी, किसी के घुटने जाएंगे क्लच दबाते दबाते, और किसी की कमर हिलते हिलते। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, यू हैव विल पावर टू ड्राइव लॉन्ग विद लॉट ऑफ जर्क्स, डू दैट, एल्स मेरे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाएंगे। सो फाइनली पहुँच चुके हैं मेचुका, कि यहाँ पे जो होम स्टे बुक किया था हम लोग ने, बहुत ठंड है, लोग बाहर बॉनफायर में बैठे हैं तो हम भी चलेंगे। चाय का ऑर्डर किया है तो कुछ गर्म पीने का मन कर रहा है, बहुत ठंड है। तो आपको एक छोटा सा रूम टूर लेते हैं, छोटा सा रूम है, क्यूट सा, तो दिखाते हैं। सो यही है हम लोग का रूम, छोटा सा है, ओके है, और ये बाथरूम है। डिनर में वी हैव सम राइस, दाल, चिकन करी अरुणाचल स्टाइल एंड पम्पकिन सब्जी एंड सम पापड़ एंड आई गॉट चपातीस। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी 6 बजे और
हम लोग उठे उठ गए हैं मिछुका में, और हमारा ना जो होम स्टे था और उसके फ्रंट में जो व्यू है ना, इतना सुंदर व्यू है, आपको दिखाती हूँ मैं, सो ब्यूटीफुल, पूरा स्नो कैप माउंटेन्स है, सो लेट मी शो यू। अरे देखिए हमारी गाड़ी पूरा बर्फ जम गई है, सीरियसली। कितने किलो का है बुलेट प्रूफ जैकेट? नहीं ज़्यादा है, 15-20 किलो का है। जब मैं उठाया तो ये 10 से 15 किलो लग रहा था। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मिछुका। हमारी गाड़ी में थोड़ा थोड़ा बर्फ आ गया है, ये है क्या हुआ? कुत्ता? कुत्ता तो गाड़ी के अंदर है। इधर नाम क्या है, इधर बताओ। इधर आओ, इधर आओ। हाँ फिर से बोलो क्या है तुम्हारा? अरे वाह, स्कूल जाते हो? छुट्टी हो गया स्कूल का? सो पिक्सी अंदर एंजॉय कर रही, और रखो ये देखिए हमारी गाड़ी पे स्नो, मस्त। अब तो अभी थोड़ा थोड़ा बस जैसे पानी जम रहा है, स्नोफॉल नहीं हुआ लेकिन ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो बहुत ही जल्दी हो सकता है दो से तीन दिन में यहाँ पर स्नोफॉल हो सकती है। कौन का ये थुप्पा बने? कॉर्न का थुप्पा, और उसका पकाने में 24 आवर्स लगते हैं, और उसके बाद ये राइस फ्राई बने हैं, राइस फ्राई, और उसके बाद ये और ये टिंगमो, लोकल का टिंगमो बोल के एक अंदर में ये नहीं होता है, अंदर में उसका टिमो मोमो जैसे का ही होता है, लेकिन मोमो का ये होता था ना, मोमो का अंदर ये सब्जी, लेकिन उसका अंदर सब्जी नहीं है, सब्जी अलग से रहते हैं। ले आइए। सो आज मिछुका का ऑथेंटिक थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे। आपका नाम और थोड़ा इंटरव्यू। हेलो, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ गेबू सोना, ओनर ऑफ GTL होम स्टे मिछुका। आप सभी को वेलकम करता हूँ, और जितने भी जो टूरिस्ट आते हैं, चाहे सुबह हो या शाम, चाहे रात हो, जो मेरे नंबर पे फ़ोन लगने से मैं ज़रूर आप सबको सेवा करने के लिए, आप सबको मदद करने के लिए मैं मिछुका में हमेशा मौजूद हूँ। या मेरा फ़ोन नंबर है 9436074877। सो गाइस ये इनका होम स्टे है, यहाँ पर आप लोग आके रुक सकते हैं। यहाँ का माउंटेन व्यू बहुत ही अच्छा है, बाहर ऑलमोस्ट फ्रीजिंग टेम्परेचर है, थोड़ा थोड़ा आइस दिख रहा है, जो बर्फ पानी है वो जम रहा है, लेकिन 2 से 3 दिन में यहाँ पर स्नोफॉल होने वाला है। सो इट्स अ बेस्ट टाइम फॉर यू गाइस इफ़ यू वांट टू विजिट हियर। स्नोफॉल कब से कब तक होता है? जो स्नोफॉल जनरली आपका जो नवंबर से स्टार्ट हो जाता है, नवंबर से लेके जनवरी फरवरी, 3 महीना में पॉसिबिलिटीज़ है। स्नोफॉल तभी होगा कि जो मौसम थोड़ा गड़बड़ होगा, मौसम पैक्ड होगा, और 2-3 दिन बारिश होगा, रात दिन बारिश होगा, तब जाके स्नोफॉल सामने आते आते तब टाउन तक आ जाता है। यहाँ का कोई हिस्ट्री है मिछुका का, मतलब एनी हिस्ट्री जो आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को? मिछुका में हिस्ट्री वही है कि जैसे मिछुका पहले एक नोमेंस लैंड था, जो उस वक्त जो कोई लोग रहते नहीं थे, तो हमारा असली हिस्ट्री है जो तिब्बत से जो एक लामास आया था, लामा लोटे ग्याम्सो करके, वो जो पहला जो विलेज में आया था लालुंग विलेज करके, लालुंग विलेज में आके जो उसने बैठकर तपस्या किया था, तो उसमें एक केव में रहा करते थे, तो उस वक्त लालुंग जो है पूरा डेंस फॉरेस्ट था, पूरा मतलब जंगल से कवर अप होके बैठा था, तो उस वक्त एक छोटा सा जगह है कि जो कि उसका जो जगह का नाम है पांगो, पांगो इट मींस आपको एम्प्टी प्लेस, जो कि आपका जंगल नहीं है, थोड़ा सा खाली स्थान ना, तो अभी भी लोग पांगो कहते हैं, तो हिस्ट्री आते आते हिस्ट्री अभी भी क्या बताते हैं, पांगो मींस खाली स्थान। वो क्यों बोला है, पहले ज़माने में लालुंग जो है पूरा जंगल था, लामा लोटे ग्याम्सो ने पूरा बैठ के मेडिटेशन करके, वो जो केव में रह के पूजा करके, तब जाके लालुंग को ये लैंडस्लाइड करा दिया, तब लैंडस्लाइड कराने का बाद जो है लालुंग जो एक पूरा प्लेन बन गया,
तो उसमें जो वहाँ जो तिब्बत से एक कुत्ता लेकर आया, उसके पास हाथ में स्टिक लेके आया, तो स्टिक को जो गाड़ दिया। तो गाड़ने के बाद उसने ये वादा किया कि ये स्टिक जो पूरा पैर बन जाने के बाद, ये मतलब लालूंग जो अगर जो स्टिक पैर नहीं बना, स्टिक जो मतलब मर गया, प्लांट नहीं बना, तब जाके ये विलेज इतना उन्नति नहीं होगा या आदमी डेवलप नहीं हो पाएगा। तो जो पैर जो पूरा मतलब बहुत बड़ा पैर बन गया, जो वो जो पैर है चंदन सिंह बोलता है, चंदन का जो पैर, चंदन जो स्मेल होता है ना, जो धूप के लिए पूजा पाठ पूजा के लिए जो जलाया जाता है, वही पैर है। जो वही लोकेशन में मतलब जो कि एक भी पैर दिखाई नहीं देगा आपको, एक भी पैर, जो एक ही पैर है जो कि उसका जो स्टिक है जो लामा लॉटरी जैमसन ने जो गाड़ के रखा है, वही पैर बन गया। वो अभी जो साल में एक बार तीर्थ यात्रा के रूप में लोग जाता है, जाके मानता है, पाठ पूजा करता है, और उसको उस जगह में, और पत्थर भी एक लोकेशन में, उस लोकेशन में मतलब ना कहीं नियर बाय बिल्कुल पत्थर ही नहीं है, कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक पत्थर नहीं है, एक ही पत्थर है जो कि उसका थ्रोन बन गया, बैठ बैठ के ना उसका जो पूरा छाप बन गया, पैर का छाप पूरा ऐसे बैठने का पूरा शेप, लाइक मतलब बुरा जैसे होके बैठ बैठ के पत्थरी उसका बैठने का एक शेप बन गया। तो ये थे यहाँ के ओनर, सो थैंक यू फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन। तब आप हम लोग नाश्ता करते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का ऑथेंटिक वन। बटर चाय लोकल चाय नहीं, ओके, नमक चाय। भैया ये क्या है? फ्राइड राइस और दिस वन टिंगमो एंड दिस वन सब्जी और ये सूप कॉर्न सूप। ओके सो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं। स्पेशली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यूज़ किया जाता है। और इसको क्या कहते हैं, ये जो बीच में है यहाँ पर, बुखारी बुखारी हम थप बोलते हैं, चा थप सुबह अभी देखा तो हम लोग का पीछे वाली, मेरे साइड वाला पीछे का टायर पंचर हुआ है, शायद कल रात को ही वो पथरीले रास्ते से जब आए थे उसी समय हुआ होगा। तो अभी जा रहे हैं पंचर बनवाने, तो हम लोग का इसी में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, बट आपको आगे का नज़ारा दिखाती हूँ, कितना सुंदर व्यू है। तो अभी टायर दुकान तक हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि पूरा फ्लैट हो गया है, तो अभी यहीं पे चेंज करेंगे टायर को। पूरा पंचर हो गई है। सो मनीष फर्स्ट टाइम टायर चेंज करते हुए अपने लाइफ में, कितना साल हो गया गाड़ी चलाते हुए तुमको? 15 साल हो गया है, लेकिन कभी ऐसा नौबत नहीं आया कि टायर चेंज करना पड़े या टायर पंचर हुई है। ओ वाओ नाइस, यू आर डूइंग इट नाइसली। चक्का नीचे आ गया। हाँ चक्का नीचे आ गया, पूरा आ गया। हाँ नहीं बैठा नहीं है, लटका हुआ है। हाँ अभी बैठ गया। तो ब्रूस ली भैया आए हैं हमारे हेल्प करने। जोर लगा के हैशा और करो, टाइट तो हुआ ही नहीं। और कैसा लगा टायर चेंज करके? अरे बाप रे, सारी ठंडी हवा हो गई, गर्मी चल गई। फर्स्ट टाइम टायर चेंज, और वैसे गेंडा आदमी मैं,
हाँ गया मैं कसम से, लेकिन ठीक है। एक चीज़ थी, ओवरऑल टायर तो अच्छा चेंज हो गया, बस वो आशीष था जिसने हमको ये जैक लगाने में मदद किया। कि प्रॉब्लम क्या है ना, जैक छोटा है, उसका व्हील छोटा है जो महिंद्रा ने दिया है, उसके साथ आपको एक अटैचमेंट लगाना पड़ेगा, वो लंबा वाला जो आता है सरिया टाइप का, और आगे से ऐसे टर्न होता है, वो चीज़ रखनी पड़ेगी गाड़ी में, वो नहीं है, इसलिए आपको जैक लगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो देखते हैं, फिलहाल अभी टायर चेंज हो गया है, स्पेयर टायर है और यूज टायर है, सो आई वोंट डिपेंड मच ऑन इट। तो जाके अभी पंचर बनवाते हैं, उसको दे देंगे टायर को, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, तब तक हम लोग घूम घाम के आएंगे और जाके टायर चेंज करा देंगे। होपफुली कल वापस जाना है, कल रास्ते में नहीं होना चाहिए, वरना तो लग जाएगी, कि रास्ता बहुत ख़राब है। हाँ, रास्ते में हो गए तो फंस जाएंगे। तो चलिए अभी जाते हैं मेचुका टूर में, तो दिखाते हैं मेचुका कैसा है और क्या क्या स्पॉट हम लोग आज एक दिन में कवर करते हैं।